नमस्कार दोस्तों, इन्फोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी से सामने आ रही है, जिसमें इसकी बहुप्रतीक्षित वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट 2023 की वैकेंसी के संबंध में वह खबर है, जो दरअसल 2022 में कंडक्ट कराई जाने वाली पेट परीक्षा में जो प्राप्त अंकों की शॉर्टलिस्टिंग के आधार पर इसकी मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग कोई भी ऐसी अनऑफिशियल न्यूज जब तक उसकी 3-4 जगह से पुष्टि नहीं कर लेते हैं, क्रॉस चेक नहीं कर लेते हैं, तब तक हम लोग उसके संबंध में कोई वीडियो नहीं बनाते हैं। जल्दी इसके संबंध में कुछ और खबरें आप लोगों को इधर उधर पेपर में दिख जाएंगी। फिलहाल देखते हैं कि इसके जो एक बड़ी वैकेंसी इसके संबंध में आने वाली है, जिसमें लगभग ऐसा बताया जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि 3000 के करीब पद हो सकते हैं। तो एक आप देखिए कि ठीक ठाक वैकेंसी है, बहुत ज्यादा तो नहीं है अगर यूपी की जनसंख्या ध्यान में रखें, परंतु यह बहुत कम भी नहीं है अगर आप सरकारी नौकरियों के जो वैकेंसी निकलती है उनसे अवगत है। तो अब देखिए, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि वैकेंसी आने वाली है, हालांकि ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अभी तक जिस परीक्षा को कंडक्ट कराने में इतनी ज्यादा अफरा तफरी मची थी, इतनी ज्यादा भीड़ भाड़, तमाम दृश्य लोगों के सामने राष्ट्रीय पटल पर सामने आए सबके सामने, वो तो वह बहुत दुखदायी दृश्य भी सब लोगों ने देखा था। उसके बाद ये परीक्षा कंडक्ट हुई थी, परंतु उतने दुख के सहने के बाद भी विद्यार्थी लोगों को अब तक कुछ हाथ लगा नहीं, क्योंकि कोई भी वैकेंसी उसके आधार पर अभी तक निकाली ही नहीं गई। परंतु हाल ही में कुछ ऐसे छात्र संगठनों ने मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपना ये आवेदन प्रस्तुत किया, रोष प्रकट किया, उसके परिणाम स्वरूप अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि लगभग 3000 पदों की जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी। महत्वपूर्ण बात तो यह है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी तैयारी हम लोग कैसे करें और क्या क्या इसमें सिलेबस में आता है उसको थोड़ा सा समझ लें, और उसके लिए हम लोग अपने स्तर पर क्या प्रयत्न कर सकते हैं। तो देखिए, सिलेबस में आप देखेंगे तो एक तो इसमें हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, हिंदी वाले में जो है इसमें यह बहुत मेजर रोल प्ले करती है, जहां पर आपको 60 क्वेश्चन दिख जाएंगे। इसी प्रकार से जो यहां पर जीके आती है, जीके में भी यहां पर 40 क्वेश्चन दिख जाते हैं, और जो आपका रीजनिंग आता है, रीजनिंग में भी यहां पर 30 प्रश्न दिख जाते हैं। अब इसमें देखिए कि आप ये जो मैथ्स यहां पर नहीं होती है, जिन लोगों को भी मैथ्स से थोड़ा सा भय हो उनके लिए अच्छी बात है कि मैथ्स यहां पर नहीं होती है। इस परीक्षा के बाद यहां पर टाइपिंग वगैरह होती है, उसका आप लोगों को और डिटेल में कभी वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। अभी देखिए कि ये सभी जो है वो आधे आधे अंक के ये होते हैं, और इस हिसाब से इसका जो वेटेज बनता है 65 नंबर का बनता है, बाकी 35 नंबर जो है वो जो फाइनल मेरिट आपकी तैयार होती है वो 100 नंबर के आधार पर तैयार होती है, और ये बाकी 35 में दरअसल आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह के रहते हैं, और टाइपिंग इसमें क्वालिफाइंग होती है। बाकी देखिए कि यहाँ पर जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, रीजनिंग वाले पोर्शन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर ही फ्री में क्लासेस चल रही हैं। इसका जो जीके वाला पोर्शन है, जीके वाले के लिए और हिंदी वाले के लिए हमारे पास जल्दी ही इसकी क्लासेस आने वाली है। जैसे ही हम लोगों को इस संबंध में कोई ऑफिशियल खबर हाथ लगेगी, उसके बाद इसकी रेगुलर क्लासेस आपकी यहीं यूट्यूब पे प्रारंभ कर दी जाएगी। तब तक के लिए आप देखिए कि हिंदी और जीके की जो डेली क्विज है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे कंडक्ट कराई जा रही है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी उपलब्ध है। आप लोग उस पे लिंक को क्लिक करके और इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आप लोग डेली क्विज के माध्यम से अपनी तैयारी को धार दें, और जैसे ही इसकी वैकेंसी के संबंध में कोई पुख्ता खबर हमारे सामने आएगी, तुरंत हम लोग इसको जो है इससे संबंधित अपना यूट्यूब पे कोर्सेज लेकर आएंगे। और रीजनिंग तो ऑलरेडी अभी चल ही रही है, जिसको आप देख के उससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो जल्द ही इस संबंध में आपको एक बड़ी खबर पेपर वगैरह के माध्यम से आपके सामने आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।